अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक है। आज न्यू व्लॉग बन रहा था, इसमें ला करके स्टार्ट करें। ओके, मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग की 11:30 हो रही शायद, मैं नहीं देगी एक मिनट पहले। हाँ, मॉर्निंग की 11:20 हो रहे। यहाँ पे देखिए अब्दुल राजिक बैठे हुए हैं, अब्दुल मलिक है। यहाँ पे मेरी पास डिनर सॉरी ब्रेकफास्ट बन रहा है। चलो आ जाइए, हमारा ये जो नाश्ता है ये मेरा नाश्ता है ये। ओके, ये है सेम की फली का जो सालन है ना गोश्त में डाल के, ये के मूंग की दाल है रात की। अब हम नाश्ता कर लेंगे फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज है नेक्स्ट डे, वेडनेसडे है आज। आज मैं व्लॉग नहीं डाली, कल व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए नहीं डाली, और क्योंकि मेरे को व्लॉग में इंटरेस्ट नहीं रह रहा और शूट भी करने दिल नहीं बोला। क्या हुआ कि मेरे को जब व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, फिर रेसिपीज़ वगैरह भी डाल रही हूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, मगर जब हम जब मेहनत करते ना, जब हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता ना, जब नहीं दिल नहीं बोलता, क्योंकि ब्लॉग डालूँ शूट करूँ या मोबाइल हाथ में लेने दिल ही नहीं बोला। मैंने अभी भी ज़बरदस्ती से मैं चलो डालेंगे, चलो अल्लाह बहुत बड़ा है, चलो जब इंतज़ार और सब्र करो उसका अल्लाह ताला देखे मीठा पल मिलता है, इसलिए देखेंगे। मेरा दिल भी बहुत उदास है और व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे फिर कम हो जा रहे, बढ़ रहे कम हो जा रहे, जब ही बढ़ रहे जब ही कम हो जा रहे, अनसब्सक्राइब कर दे रहे ऐसा, इसलिए आज दिल ही नहीं बोला था मेरे को। जब हम मेहनत करते ना उसका जो रिज़ल्ट नहीं आता ना, जब दिल नहीं बोलता डाले, अगर शूट कर रही हूँ चलो अल्लाह पे भरोसा करिए, लोग पे भरोसा करना चाहिए और शूट करना चाहिए। देखेंगे, सब्र करो और इंतज़ार करो, उसका फल मीठा होता है इसलिए देखेंगे। चले, अब मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के 10:00 हो रहे यहाँ पे, और मैं रोटी भी बना चुकी हूँ। मैं फिर यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ आलू टमाटर गोश्त का शोरबा बनाई मैं, फिर रोटी बन गई हमारी। ओके, ब्रश करने का नहीं है, उधर से नहीं जाना है, इधर से जाना है। चलो जी ब्रश कर लिए अब्दुल खालिक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ब्रश करे उन्होंने कहा है, उन्होंने बाहर बैठे हुए हैं, बाहर गोल खेल रहे हैं। ब्रश नहीं करते, ब्रश नहीं करके खा लेते मम्मा। अब मैं ये पजल जल्दी सॉल्व करती, ब्रश करके खाओ। चलो खेल रहे, बॉल खेल रहे। देखिए राजीव हमारे ब्रश नहीं करके खा रहे, अब्दुल खा मलिक मलिक हमारे यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हमारे पास बाहर, राजिक भी है हमारे, मलिक भी है हमारे, अब्दुल खालिक भी है खड़े हुए हैं। ब्रश करना, ब्रश करके खाना, कीटाणु आके ऐसा, कीटाणु आ जाते ऐसा मालूम है, जेम्स पूरा जेम्स ऐसे ये होते। तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, मैं ब्रश नहीं करी अभी। टाइम क्या हो रहा देखेंगे, अब टाइम क्या हो रहा हमारे पास बोलो। आप देखिए टाइम हो रहा 10:40, अभी मैं ब्रश भी अभी नहीं करी, मैं ब्रश कर लूँगी ओके। चलो ब्रश कर दे, जेम्स ऐसा कीटाणु छी छी गंदा वो हो जाते, फिर दांतों में कीड़ा आ जाता गंदा। चलो ब्रश कर रहे ना, चलो अपन खाम
नाश्ता करेंगे ना? रोटी खाएंगे? नहीं खाते? फ्रेंड्स को बोल रही हूँ मैं, फ्रेंड्स देखिए, अम्मा मेरे कुछ मार रहे, देखिए मेरे को मार, मेरे कुछ मार रहे, देखो मम्मा को मार रहे उनके, अरे मम्मा को मार रहे, मम्मा को मार दे, बदतमीज है, बदतमीज हो आप, बदतमीज हो, देखो मम्मा को मार पे। देखिए मैं लेमन राइस बना रही हूँ, थोड़ा सा नेट का जो भी मेरे पास बचे हुआ राइस रहता ना स्वेटर, तो मैं लेमन राइस ज़्यादा तौर पे बना रही हूँ, ज़्यादा तो वही बनता मेरे पास, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं अंडा राइस, लेमन राइस और ऐसा वाइट राइस से ज़्यादा लेमन राइस और टमाटर राइस ऐसा पसंद करते हैं बच्चे, इसलिए मैं वही ज़्यादा बनाती हूँ। और हम तड़का दे लेंगे राइस को, इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, नमक तो ऐड कर चुकी हूँ, अब हल्दी ऐड कर लूँगी। लेमन राइस में हल्दी ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि कलरफुल लगना हमारे लेमन राइस, इसलिए हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं लेमन राइस में। ओके, अब रेसिपी में वगैरह क्योंकि ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हल्दी की जो है ना स्मेल जल्दी आ जाती है, इसलिए नहीं ऐड नहीं करना है। ओके, अब हम ये तड़का दे लेंगे राइस को। देखिए मैं तड़का भी दे चुकी हूँ मैं राइस को, अब देखिए कलरफुल लग रहा ना, कभी कभार ज़्यादा हेवी भी नहीं खाना, इसलिए मैं ज़्यादा हेवी हो जा रहा रोज़ रेसिपीज वगैरह, फिर कौन से भी हों दो ताहरी बिरयानी वगैरह ऐसा चिकन मटन वगैरह, इसलिए मैं सिंपल से ही आज थोड़े दिन से मैं सिंपल से बना रही हूँ, मैं ज़्यादा भी फिर हेल्थ ख़राब हो जाएंगी फिर बोल के, इसलिए अब बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद लेमन राइस भी है। मैं हमारे अब्दुल मलिक है ना, उसको बहुत पसंद है, बोल तो बहुत पसंद लेमन राइस, बोल तो बहुत पसंद ताहरी बिरयानी वगैरह, उसको वाइट राइस नहीं पसंद, आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले मैं बता चुकी थी आप लोगों को। ये देखिए, और एक 5 मिनट इसको ज़्यादा थोड़ा सा हम ज़रा भून लेंगे हम चावल को थोड़ा एकदम लो फ्लेम पे, उसके बाद ये तैयार हो चुका है हमारे लेमन राइस। ओके, ये हमारे पास थोड़ा सा पानी भी गर्म हो रहा है पीने के लिए, और थोड़ा ऐड कर लूँगी मैं इसमें क्योंकि थोड़ा है ये। फिर अब्दुल राजिक को फ़ोन होना कहते, क्योंकि उनका फ़ोन के बिना उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं करते, उन्होंने ब्रेकफास्ट में फ़ोन होना, फिर लंच में फ़ोन होना, फिर डिनर में भी फ़ोन होना, तो उनका खाना स्टार्ट होता, तो जैसा हम यूट्यूब देखते ना, यूट्यूब देख लेते भी खाते थे कुछ भी, एक देखे कार्टून वगैरह देखते ज़्यादा। ओके, हमारे क्या कर रहे राजिक, हमारे क्या कर रहे राजिक, अब्दुल राजिक क्या कर रहे, खेल रहे इससे। अच्छा फ्रेंड्स क्या बोलते, बोलो फ्रेंड्स को क्या बोलते। अच्छा लंच करे, ये लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट करे क्या पूछो, सलाम करो, बात करने से पहले क्या करना, सलाम किया करना। अब्दुल राजिक को मैं बोल रही हूँ, उनको सर्दी होगी बहुत, तो मैं बोल रही हूँ उनको दवाइयाँ पिलाए तो भी, उनको जो सिरप्स पिलाए तो भी उनको कम नहीं है, विक्स भी लगा दी, विक्स भी लगा दी, तो इनको जिंदा तिलिस्मत है ना, जो जिंदा तिलिस्मत मालूम है आप लोगों को, तो वो थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स ना दूध में वगैरह मिला के, नहीं तो गर्म पानी में मिला के इनको पिला दिए तो कम हो जाती फौरी इनको, तो मैं बोल रही हूँ इनको पिला देंगे, तो पीते पीते नहीं पीते, क्यों नहीं पीते, पीना है, पिए तो सर्दी नाक में से जाना जो है ना, पानी जा रहा ना बंद हो जाता, वो पी दे ना, क्यों नहीं पीते, क्यों नहीं पीते बोलो। ये है जिंदा तिलिस्मत, ये अब्दुल राजिक को पिलाएंगे, क्योंकि उनके नाक में से बहुत पानी जा रहा, सर्दी हो गई उनको, ये 2-4 ड्रॉप डाल देते ना दूध में मिला के, क्या करते, पी रहे ना, पीते डायरेक्ट नहीं पीते, डायरेक्ट नहीं पीते, दूध में मिला के पिलाना है उसको, कहीं इधर लाओ वैसा नहीं पीते, डायरेक्ट नहीं पीते, डायरेक्ट नहीं पीते, मैं पिलाती हूँ इधर लाओ।
फ्रेंड्स अब्दुल राजिक रो रहे क्योंकि इनको जिंदा क्रिसमस पिला दिए अम्मी मैं दोनों मिलके जिंदा तिलिस्मा है ना पिला दिए इसलिए रो रहे नो बस बस तुम्हारे वास्ते छोड़ दो गिर जाती वो छोड़ दो मैं डाल रही हाँ चलो हम पीते चाय अब ब्रेकफास्ट की चाय। अल्लाह गंदा बच्चा है ये ब्रो चाय पी रहा गंदा बच्चा चाय पी रहा। अच्छा आ जाइए आप लोग अभी चाय पीने के लिए आ जाना। आपको कमेंट में बोलते गंदा बच्चा है चाय पी रहा और मम्मा को बहुत सता रहा मार रहा देखो मेरे को। चलिए अब हम बनाएंगे अंडा बोंडा बनाएंगे। फिर मैं यहाँ पे देखिए 6 अंडे ले चुकी हूँ मैं। अब हम बना लेंगे अंडा बोंडा क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब ही हो रही। क्या हो गया? बुखार आ रहा अंदर से मेरे को, कुछ खाना भी दिल नहीं हो रहा। अब हम बनाएंगे अंडा बोंडा। अब फिर इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आप लोगों को बता दूँगी। ओके ये हम पहले बेकिंग सोडा से स्टार्ट करेंगे। ये सोडा है, थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, आधा स्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, साल्ट टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग डाल सकते टेस्ट की। ओके 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक घोल बना लेंगे हम इसको। ओके यहाँ पे देखिए मैंने हरा धना भी ऐड कर चुकी हूँ। आप लोग रहा तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके अब थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते थे, हम एक घोल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से घोल बना चुकी हूँ मैं। अब हम इसमें अंडे डिप कर लेंगे। डिप करते हुए हम इसमें अंडे उनको हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए मैं कड़े भी रख चुकी हूँ, मैं ऑयल भी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। अब हम इसको हीट होने देंगे। ओके यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब हम डिप करते जाएंगे एक एक से। अब हम अंडे को जब भी हम डिप करते ना सावधानी से, क्योंकि कभी भी अंडा फूट सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से करना है। बिस्मिल्लाह यहाँ पे देखिए मैं दूर से तल रही हूँ, हाँ फ्राई कर रही हूँ डीप फ्राई, क्योंकि डर लगता मेरे को। चलिए अब हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। ओके थोड़ा साइड में हट जाना ठीक ना, नहीं बोली ना। कभी भी अंडा जो अंडा बंडा है, अब जब भी हम तलते ना थोड़ा सा दूर रह के तलिए, क्योंकि कभी कभार फूटते हैं अंडे ये। ओके यहाँ देखिए हमारा अंडा बंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको काटेंगे भी, फिर अब्दुल खालिक वगैरह मलिक नहीं खाते तो मैं प्लेन कर रही हूँ थोड़े से। हाँ ठहरो काटेंगे, ठहरो थोड़े से प्लेन भी तल लेंगे हम। ओके ये हम लोग खा रहे अंडा बोंडा, ये है हमारा फाइनल लुक इसका। ओके ट्राई करना आप लोग अभी। फिर जो काला नमक रहता ना इसको ऊपर से चाट मसाला हो, काला नमक हो डाल के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चाट मसाला ला जाओ, चाट मसाला ऐसा चाट मसाला डाल के खा सकते हैं, ऐसा बहुत टेस्टी लगते है। इसको पे भी डाल देंगे चाट मसाला, ये बहुत टेस्टी लगता है चाट मसाले से।
चलो खाओ बिस्मिल्लाह। चलो राजीव, अब्दुल राजीव खाओ, अच्छे टेस्टी है, अच्छा टेस्टी खा लो। ओके खा लो, यहाँ पे होमवर्क कर रहे, आ जाओ जी। चलो फिर हम खाएंगे, आप लोग अभी आ जाइए खाने के लिए। माशाल्लाह टेस्टी बने। यहाँ पे देखिए हमारे पास बन रही इवनिंग की चाय, हम चाय पी लेंगे। हमारे बच्चे कितने शैतान हो गए, एक दूसरे को मार। यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी है, इवनिंग टाइम है। अब्दुल राजीक मलिक मेरे गोद में बैठे हुए हैं और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, फीवर, और मेरे आँखों से आप लोगों को पता चल रहा ही होगा मेरे को फीवर है। और क्या है कि मेरा दिल ही नहीं बोल रहा था आज मैं वीडियो शूट करूं, क्योंकि थोड़ा सा उदास हो गई थी मैं, बहुत उदास हो गई। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, 500 भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 7 मंथ से कर रहे, मगर अभी तक हमारे 1K भी नहीं हुआ, 500 भी कंप्लीट नहीं हुए हमारे, इसलिए मेरा दिल नहीं बोल रहा था वीडियो शूट करूँ। इतनी मेहनत कर रहे, रेसिपीज़ वगैरह भी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, फिर व्लॉग भी अच्छे से बना रही हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। 7 मंथ से 500 भी कंप्लीट नहीं हुई। क्या है कि यूट्यूब हो या कोई भी व्यूज हो, जो बड़ा यूट्यूबर है ना उसको सपोर्ट कर रहे भाई, उन्हें बड़ा यूट्यूब है, यूट्यूबर है, उसको कहाँ से भी यूट्यूब उसको व्यूज मिल जाते, तो छोटे यूट्यूबर है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। बैठो बैठो, जो जिसको चलना नहीं आता उसको चलाना चाहिए हाथ पकड़ के, जो जो भाग रहा दौड़ रहा उसको गोद में उठा के आप लोग चला रहे, मतलब तो गोद में उठा के घुमा रहे, जिसको नहीं आता, जिसको जीरो सब्सक्राइबर से लोग बढ़ जाते हैं, कोई भी होने पहले स्टार्टिंग में तो जीरो सब्सक्राइबर्स रहते, उसके बाद ही धीरे धीरे से बढ़ते हैं। जिसको नहीं आता, 100 भी क्रॉस नहीं हुए, 2, 6, 7 या 10, 20 ऐसा सब्सक्राइबर, उनको आप लोग सपोर्ट करो भाई, जो है ना यूट्यूब पर बड़े बड़े उसको व्यूज देखो मत देखो, नको देखो नहीं पूरी मैं देखो, मगर छोटे यूट्यूबर थोड़ा सा सपोर्ट करो ना, क्योंकि कोई भी हों दो ना फैमिली के वजह से यूट्यूब में काम करते हैं, मिडिल फैमिली ही यहाँ पे काम करती है, कोई भी हों दो, या हाई फाई फैमिली यहाँ पे यूट्यूब में काम नहीं करती, मिडिल फैमिली ही यूट्यूब में काम करती, क्यों जो देखो मेरे बच्चे हैं, बच्चों को संभालते भी है, और मैं यूट्यूब का जो भी है ना वर्क जो भी करती हूँ मैं, फिर रेसिपीज भी डालती हूँ, ये दोनों बच्चे भी बहुत सजाते मेरे को, फिर जो अब्दुल उनको भी मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को ट्यूशन वगैरह लेना पड़ता मेरे को, हाँ देना पड़ता, फिर घर का जो भी है ना काम वो भी करना पड़ता, फिर मेरे को यूट्यूब का भी काम करना पड़ता। तो मेरा बोलने का मकसद यह है कि हम लोगों को भी आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए, छोटे यूट्यूबरों को भी सपोर्ट करो, बड़े यूट्यूबरों को भी करो, नको नहीं बोल रही मैंने करना, इन लोगों को भी करो, आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए। कोई भी हम तो अपनी अपनी फैमिली के तरफ से यूट्यूब में आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बस मिडिल फैमिली ही बनाती कोई भी आने के लिए बढ़ने की कोशिश करती है, तो ऐसे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को, सपोर्ट होना मेरे को, इसलिए मेरे को रिक्वेस्ट कर रही हूँ हम आपको सपोर्ट करो, फिर मेरे ब्लॉग हों दो, रेसिपीज हों दो, जो भी मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतना हक है हम लोगों पे, नहीं बल्कि नहीं बोल रही मैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम कुछ भी हम गलत कर रहे हैं, कुछ हम गलत बोल रहे तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, दोबारा वो हम गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ओके फिर ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, रेसिपीज थोड़ा थोड़ा मैं एक बोलना वो जो है ना वो रेसिपी थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ मैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग और रेसिपी तक
ओके, फिर न्यू रेसिपी न्यू लॉग तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, हम लोगों को भी सपोर्ट करना, मेरे बच्चों को भी सपोर्ट करना, प्यारे प्यार से कमेंट भी। ओके, तब तक के अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।